अब बात करते हैं संकट के समय में महाराणा प्रताप के साथी रहे गाड़िया लुहारों की, जो आज भी एक गाड़ी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। पहले महाराणा प्रताप की मदद करने वाले गाड़िया लुहारों ने एक बार फिर देश पर आए संकट में अपना हाथ बढ़ाया है। इन्होंने 51,000 रुपए एकत्रित कर 200 परिवारों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है और दूसरों के सामने भी एक अनूठी मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार कुछ भामाशाह गाडोलिया बस्ती के इन परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण करने पहुंचे थे, लेकिन 200 परिवारों ने एक राय होकर खाद्य सामग्री लेने से इनकार कर दिया। साथ ही अपनी तरफ से 51,000 रुपए जुटाकर दूसरे 200 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित कर देश पर आए संकट में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वे समृद्ध हैं और खाना खा सकते हैं, लेकिन वे अब ऐसे हालात में ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो दो वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते हैं। इन लोगों की पहल की हरि सेवा धाम के महंत हंसाराम ने भी सराहना की है। साथ ही धनाढ्य लोगों को इससे प्रेरणा लेने की भी अपील की गई है। और हमारे पास तो भगवान कुछ देने का, हम भी गरीब आदमी थे, जिसके खाने की पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए साहब हम ये शो किया है। और हमारे देखो जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे भी और आगे और सेवा करेंगे। एक जी की ये 200 पैकेट है सर, 200 पैकेट है, 200 में तेल है, आटा है, लून है, मरच है। इस परिस्थिति में इन्होंने सेवा की है, इससे शायद हम जो कहते हैं ना धनाढ्य सेठ हैं, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणा के लिए सेवा लिखी जाएगी, ये भारत के अंदर प्रेरणा रहेगी कि ऐसा समाज जो गाडुलिया लोहार, ये प्रेरणादायक आज रहा भीलवाड़ा से। ऐसी घुमंतू जाति जो लकड़ी की गाड़ी में रहकर अपना जीवन व्यापन कर रही है, जिन्होंने अपनी स्वाभिमान की मिसाल पूरे समाज में पेश की है, आज उन्होंने निशुल्क राहत सामग्री नहीं लेकर ऐसी मिसाल पेश की सक्षम लोगों के सामने जो सरकारी सहायता लेने के लिए मरे जा रहे हैं। साथ ही उन धनाढ्य लोगों को भी मिसाल दी है जो इस कोरोना रूपी महामारी में भी सक्षम होते हुए भी गरीबों के सहायता के लिए आगे नहीं आ पा रहे हैं। महाराणा प्रताप को जो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं गाड़ी लोहार, स्वाभिमान की आज उन्होंने मिसाल पेश की है। कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ योगेश शर्मा, एवन टीवी, भीलवाड़ा। प्रतिवादी भयं